ट्रेन को लगा भाई जोर का सुसु और एक बार में ही शुरू हो गया है। आहा, तो भाई लोगों कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक हो गया तुम सबका बुबको भाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों के आप लोगों को बताया कि साग वो वाइट सब्जी है जिसे पहले तोड़ने वाला थकता है, फिर पकाने वाला थकता है और फिर खाने वाला भी थकता है। और इस बात से तो आप सभी लोग एग्री करोगे कि रिमोट, प्लास और पेचकस ये वो चीजें हैं जो जरूरत के बाद कभी नहीं मिलती। तो बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी वीडियोस और इंटरनेट की सीरीज के पार्ट नंबर 20 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुन कर कुछ ऐसी मजाया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओ, मजा आ गया गाइस। तो ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, आप सबने इसे लास्ट तक देखना है। बाकी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में इस पड़ी को देखें जिसके साथ नीचे उतरते वक्त क्या सीन हो जाता है। और अभी नाटी जी को भी देखें जो कि रोटी पकाने के लिए कौन सा जुगाड़ लगाती हैं। और अब हमारी अगली वीडियो क्लिप में इस लड़की के काम चेक करें जो कि लड़की को छेड़ने के लिए क्या तरीका आजमाता है। शाबाश बेटा। और इस रेडी वाले का मार्केटिंग लेवल चेक करें भाई, 20, 30, 40, 50। और इस जगह जब इन अंकल जी से ये पूछा जाता है कि आपने अपनी बीवी को मुंह दिखाई पर क्या दिया था, तो सुने फिर अंकल जी क्या बोल देते हैं। और हाँ, हंसना मना है। अपनी जनानी तू की मुंह हाई की देता थी? कुछ भी ना। क्यों है ये मेहंदी सी की थी उन्हों? एडी सोनी सनकी एडा मुंह दावड़े जिडा। और ये वीडियो सिर्फ मर्द हजरात को ही समझ आएगी यार, वाकई पाकिस्तान में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिल जाएंगे। इस लड़की की ये हरकतें देखकर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की आखिर में करना क्या चाह रही है। रुको जरा, सबर करो, फुल वीडियो देखो। और देखो ये जापान की वो गेम है जिसमें चड्डी को हाथ लगाए बगैर पहनना होता है। तो बस फिर देखें क्या शुगर लग रहा है। इतना सुकून। वैसे आपस की बात है, अगर ये चड्डी गेम मिस्टर बीस्ट अपनी किसी वीडियो में रखता है ना, अब जहाँ इसके 100 मिलियन व्यूज आते हैं आपसे इसके 500 से क्रॉस होंगे, पूरा पाकिस्तान पहुंच जाएगा देखने के लिए। बात तो सही है। और जरा आप लोग ये वीडियो भी देखें, मेरे ख्याल से इन तमाम दोस्तों की गैदरिंग में सिर्फ इसी लड़के के पास बाइक थी, तो इसने तमाम बंदों को बिठाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया है। वैसे जुगाड़ तो इन लोगों ने भी सही लगाया है चौथे बंदे को बिठाने के लिए। यारी हो तो ऐसी और इन लड़कों को भी देखें जो कि अपने दोस्त को न्यूटेला के बहाने इसको मोटरसाइकिल की ग्रीस खिला देते हैं। और ये लोग रश्के का किराया बचाने के लिए सूटकेस को देखें कैसे एयरपोर्ट तक लेकर जा रहे हैं। और इस लड़के की बात सुने जिसका ये कहना है कि मुझे फेयर लवली यूज करते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही मैं चिट्टा हुआ हूँ, मैं तो कंपनी पर केस करूंगा। मेनू भाजी 4 साल हो गए फेयर लवली वर्तदे नु, मेनू भाजी मासा फर्क नहीं पिया। मैं इन्ना काम कर फेयर लवलियां लेके ना, जां मेरे नाल कंपनी गल करे जां मैं कंपनी ते केस करूंगा। और इन अंकल जी की हरकतें चेक करें, इस उम्र में आकर भी अंकल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, फुल कुंफू मास्टर बने फिर रहे हैं। और ये वीडियो क्लिप देखने से पहले मैं यही समझता था कि ऐसे उल्टे काम सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं, लेकिन आज पता चला कि बाहर वाले भी कुछ काम नहीं है। और इसी जगह ये लड़का मक्खी बनकर अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने लगता है, पर उल्टा खुद इसी के साथ ही प्रैंक हो जाता है। पहले से आराम है। और अब जरा इन लोगों का ये मछली पकड़ने का जुगाड़ भी चेक करें।
और इन दोस्तों का मिलने का तरीका मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आपको है तो नीचे कमेंट में बता कर जाइएगा। और भाई, अबे भाई। हेलो। और ये लड़का आज हमें बताएगा कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में आखिर क्या डिफरेंस है। लव मैरिज का मतलब होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और आज से पहले आपने बहुत सी पापा की पड़ियों को तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आप लोगों को दिखाते हैं जी पड़ियों के पापा, तो ये चेक करें। और कैमरामैन साहब इन अंकल जी की वीडियो बनाने के बाद सुने बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक लगा देते हैं। क्या हुआ? समानी घरों काट छड़िया। क्या? नाले चपेड़ा भी मारिया सो। और एक बात पूछनी थी कि क्या कुत्ता भी कभी घास खाता है, या ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। और इन अंकल जी के पास जब चावल खाने के लिए चम्मच नहीं होता तो देखें फिर ये इसका क्या हल निकालते हैं। और इन अंकल जी ने आज अपना पहला व्लॉग बनाया है, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये कैसा बना है। सो गाइस, दिस इज माय मिनी व्लॉग, दिस इज माय फैमिली, वी आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। सो रास्ते च सारे नु टट्टी आ गई है, मेरी गड्डी रोक दो। और ये लड़का न्यू बाइक लेने के बाद अपने दोस्तों के आगे फ्लैक्स मार रहा होता है, तो बस फिर होना क्या था, लग जाता है शुगल। बहुत मजा आ रहा है यार। और झूठ बोलना तो कोई से सीखे, मजदूरी पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि बेबी मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बेबी यार मैं यार वीडियो कॉल बात नहीं कर सकता, ठीक है अभी मैं ऑफिस में हूँ। और इस वीडियो क्लिप में जरा इस बच्चे को भी देखें जो कि ऑन द कैमरा अपनी मम्मा को ही रोस्ट कर देता है। मम्मा यार लड़कियों की भी कितनी मस्त जिंदगी है ना। क्यों? ना दिमाग ना टेंशन। और अब हम आप लोगों को दिखाते हैं बिना पोल्यूशन का पटाखा। और यार पाकिस्तानियों का बस मूड होना चाहिए, शुगल तो वो लगाते रहते हैं, जैसे आप इन्हीं को ही देख लें। और किसी इवेंट में केक कटने के बाद यहाँ से केक को शार्ट होता हुआ भी देखें। और हमारी अगली वीडियो क्लिप में इस लड़की के साथ देखें बैक फ्लिप मारते हुए क्या सीन हो जाता है। और इन लोगों को जब मसाला डालने के लिए प्लेट नहीं मिलती ना, तो फिर ये इस लड़की की टिंट से ही काम चला लेते हैं। और अब आप लोग हमें बताएं कि आखिरी स्टैंडर्ड को कौन सा नाम दिया जाए। और महंगाई ज्यादा होने की वजह से ये लड़कियां कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं, पर ख्वाहिश तो इनकी ये है कि लड़का फॉर्च्यूनर वाला होना चाहिए। यहाँ पर भी इनका सेम यही हाल है, इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि अंदर भात बांट रहा हो। और इस जगह पर इस बच्चे की बात सुने जो कि अपने फादर को ही चेंज कर देता है। इन अंकल जी को देखकर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अंकल जी डांस कर रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं। और ये पापा की पड़ी इंडिकेटर तो लेफ्ट साइड कर देती है, मगर मूर्ति राइट साइड पे, ऐसा तो करेगी क्योंकि दिमाग जो नहीं है। और जूती बचाने के चक्करों में देखेंगे अपने साथ क्या शुगर लगवा लेता है। और ये लड़का अपने बालों का इलाज करवाने उस डॉक्टर के पास गया है जिसके खुद के बाल नहीं है। बाल बहुत जड़ रहे हैं सर, में डैंड्रफ हो गया है, कुछ तो उपाय बताओ। और लगता है कि आंटी जी आज फुल मूड में है, देखें कैसे डांस कर रही हैं। और मूड तो इन आंटी जी का भी है, डांस भी कर रही हैं और साथ में गाना भी गा रही हैं। और लास्ट में जरा इन अंकल जी का इंटरव्यू भी सुनते जाए, मेरे तो लगता है कि इन अंकल जी को कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई है। लाभ जाती है, खुसरे भी महंगे हो गए ना, की करिए।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके।